तो सबसे बड़ा चुस्ता आपको देख सकते हैं। इससे पहले हम चुस्ता देखें, इतना मोटा दमदार देख सकते थे चुस्ता का साइज। और इस साइड आपको अलग से कलेजी खाने मिलेगा, जहाँ पे पीस काटा जा रहा है अलग, छोटा छोटा पीस एकदम सेम साइज। सारा कलेजी इसमें आ चुका है, अब हो रहा है इसमें मिक्स किया जा रहा है मसाला में, और पकाया गया गलाया गया। देख सकते एकदम नली वाला पीस आपको एकदम मिलेगा एकदम। और ग्रेवी मटन हम लोग तो 20 रुपये प्लेट बेचते हैं, 2000 देख सकते हैं, बड़ा बड़ा अपना आपको यहाँ पे चिस्ता मिलेगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं फूल वाला चिस्ता भी मिलेगा एकदम, बड़ा साइज में मिलेगा। यहाँ पे कलेजी पक चुका है, अलग से कलेजी पकाते हैं। और पीस कैसे, तो सुबह सुबह इस टाइम मैं पहुँच चुका हूँ अंटा घाट, और अंटा घाट में इस टाइम मैं हूँ मुन्ना होटल के पास। मैं पीछे आपको देख रहा हूँ मुन्ना होटल, और यहाँ पे कलेजी चिस्ता काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बनता है। किस तरह का यहाँ का टेस्ट रहता है, किस तरह से यहाँ बनाते हैं, पूरा आपको मेकिंग दिखाएंगे। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं अनीश ब्लॉग। चैनल पर नए तो चैनल को करते सब्सक्राइब। तो बिना लेट किए बिना देर किए चलते हैं इनके पास, कैसा बनाते हैं, कैसा टेस्ट रहता है इनका। और यहाँ पे देख सकते हैं कोयला की आँच में, यहाँ पे ये क्या बन रहा है, कलेजी। कलेजी कितने किलो बनेगा, कलेजी 1.5 किलो, 1.5 किलो यहाँ पे इनका कलेजी बनेगा। और यहाँ पे कितना तेल डालते हैं इसमें, 1.5 किलो में 300 ग्राम, 1.5 किलो में 300 ग्राम, सिर्फ 300 ग्राम तेल, ज़्यादा तेल की मात्रा ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं ना। 1.5 किलो कलेजी में ज़्यादा तेल कितना चाहिए, है ना, 1 किलो, आधा किलो, 100 ग्राम बहुत है। 100 ग्राम में हो जाता है, तो तेल डाल दिया गया, तेल हो रहा है गर्म। और इसमें क्या, पत्ता और मिर्चा, और ये यहाँ पे गया चिस पत्ता, और ये क्या डाले, लाल मिर्च, लाल मिर्च इसमें गया। देख सकते हैं यहाँ पे प्याज भी आ गया कलीजी के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं मसाला पूरा लाल हो जाएगा, और मसाला पड़ेगा 20 मिनट में भुनाएगा, और कलेजी डाल के 20 मिनट भुनाएगा, 20 मिनट में पक जाता है। हाँ 20 मिनट में इनका कलेजी भुना जाता है अच्छी तरीके से। और इसमें कितना देर बाद डालेगा प्याज, मतलब गर्म हो जाएगा था पूरा अच्छी तरीके से, देख सकते हैं सारा अच्छे तरीके से। कोयला के आज पे दम यहाँ पे खाने मिलेगा आपको, दम कलेजी दम मटन भी सब यहाँ पे इनका कोयला में बनता है। अब जा रहा है इसमें प्याज, कितना किलो प्याज होगा पूरा, 1 केजी प्याज इसमें गया, मतलब कितना किलो, एक मतलब कलेजी बना बोल कितना, 1.5 किलो, 1.5 किलो में 1 किलो प्याज डालते हैं। और इसको देख सकते हैं मिलाया जा रहा है अच्छी तरीके से, पूरा मिक्स किया जा रहा है, और थोड़ा सा प्याज और डाले हैं और मिक्स किया जा रहा है। और कलेजी कितना देर में डालिएगा, कलेजी आ जाएगा तब, कलेजी आ जाएगा तब, मतलब ये बन जाएगा पूरा ग्रेवी अच्छा तरीके से, तब इसमें कलेजी डाल दिया, देख सकते हैं। जिसको जो इच्छा है, मतलब जो इच्छा खाना चाहते हैं, कलेजी खाना चाहते हैं, चिस्ता खाना चाहते हैं, सब आपको यहाँ पे मिलने वाला है, चिकन ही बनाते हैं। और यहाँ पे 10 मिनट हुआ, और प्याज का देख सकते हैं लाल हो चुका है अच्छी तरीके से, इसका रंगत आया। और मसाला कितना देर में डालिएगा इसमें, 5 मिनट बाद इसमें मसाला डलाएगा, और देख सकते हैं इसमें दम पूरा अच्छी तरीके से। और फिर कलेजी कितना, और देख सकते हैं अच्छे तरीके से लाल किया गया है। अब जा रहे हैं देख सकते हैं इसमें मसाला, धनिया धनिया गया इसमें, और हल्दी चलाई चुका है इसमें, और इसमें गया थोड़ा सा पानी, और सारा मिक्स किया जा रहा है। देख सकते हैं इसका ग्रेवी तैयार हो जाएगा एकदम अच्छी तरीके से, देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा ग्रेवी बनना इसका स्टार्ट होगा कलेजी के लिए अच्छी तरीके से। गुर्दा को भी एकदम इसमें मिल जाता है, मतलब पीसेस काट लिएगा सबको, देखते हैं। और कितना किलो होगा पूरा कलेजी, पूरा 1 केजी मिलेगा आपको एकदम कलेजी। और देख सकते हैं पीसेस एकदम छोटा छोटा पीसेस काट रहे हैं, और साइज एकदम सेम देने वाले हैं, और देख सकते हैं। और कलेजी का देख सकते हैं, और रेट कैसे देते हैं कलेजी का, 4 पीस कलेजी, हाँ 1 प्लेट चावल, 150 150 रुपये में आराम से भर पेट खा सकते हैं ना हम, कोई दिक्कत नहीं, आराम से एकदम। और ये क्या काट रहे हैं, गुर्दा, यहाँ पे गुर्दा भी आपको मिलेगा, देख सकते हैं इसका भी पीसेस एकदम छोटा छोटा एकदम पीसेस, अब जैसा पीस मांगेगा उसका एकदम पीस मिलेगा एकदम अलग से। यहाँ पे अलग से बनाते हैं ना कलेजी, यहाँ पे अलग से सिर्फ कलेजी बनता है, देख सकते हैं। और यहाँ पे पीसेस काट रहे एकदम ताज़ा ताज़ा एकदम कलेजी एकदम मिले एकदम फ्रेश फ्रेश एकदम यहाँ पे मिलने वाला एकदम, और पीसेस कट रहा तो साइज दम सेम साइज रहने में, दम ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। यहाँ पे कलेजी का पीसेस काटा जा रहा है, यहाँ पे देखते हैं ना। और यहाँ पे इनका ग्रेवी कलेजी के लिए तैयार हो चुका है, और यहाँ पे दम कलेजी अलग से दम आपको खाने मिलेगा, और उस साइड मटन का चीज। और यहाँ पे देख सकते हैं कलेजी इसमें एकदम अच्छी तरीके से इसको धोया गया है, और यहाँ पे कलेजी का पीसेस डाला जा रहा है, बड़ा बड़ा साइज मिलेगा एकदम आपको एकदम। और कितना देर में आप तैयार कर दीजिएगा, 20 मिनट में यहाँ पे एकदम खाने मिलेगा एकदम कलेजी, देख सकते हैं पीसेस देख सकते हैं एकदम फ्रेश फ्रेश दम आपको एकदम कलेजी खाने मिलेगा यहाँ पे, देख सकते हैं। और कलेजी के साथ यहाँ पे दिलगुर्दा आपको खाने मिलेगा, और यहाँ पे अलग से बनाते हैं सिर्फ कलेजी। सारा कलेजी इसमें आ चुका है, अब हो रहा है इसमें मिक्स किया जा रहा है मसाला में, और 20 मिनट में पूरा पक के दम तैयार हो जाएगा। और मसाला का ग्रेवी देख सकते हैं अच्छी तरीके से, यहाँ पे दम ग्रेवी दम गाढ़ा ग्रेवी दम खाने मिलेगा आपको। तो इनका चुस्ता देख सकते हैं आ चुका है, दम साइज देख सकते हैं काफ़ी बड़ा बड़ा दम आपको चुस्ता मिलेगा, और देख सकते हैं यहाँ पे दम चुस्ता का साइज देख सकते हैं कितना चुस्ता रहता है यहाँ पे, 3 केजी और यहाँ पे मिलेगा आपको चुस्ता, और वाला काट के मिलता है यहाँ पे 60 रुपये पीस आपको चुस्ता खाने मिलेगा एकदम। और चर्बी नीचे देख सकते हैं चर्बी है साथ बनाइएगा, देख सकते हैं मीट मसाला कलेजी के लिए अलग से। अब इसमें
और मीट मसाला गया इसमें और मिक्स किया जा रहा है अच्छी तरीके से, देख सकते हैं। और कलेजी का रंगत थोड़ा थोड़ा आने लगा, 10 मिनट हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे रंगत कलेजी का, देख सकते हैं आने गया। मसाला को अच्छी तरीके से यहाँ पे बनाते और काढ़ा दम मिलेगा दम, और यहाँ पे दम अब गया इसमें गरम मसाला, गुलकी जीरा कूटा हुआ दोनों दोनों कूटा हुआ है, गुलकी जीरा दोनों कूटा हुआ है, और पूरा 10 मिनट और भुजाएगा, उसके बाद पक जाएगा, ये तैयार हो जाएगा। लोगों को दम खाना, मतलब लोग खाना दम स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम खाना मिलेगा एकदम गर्मा गर्म, ताजे दम कलेजी मिलेगा, जब ग्रेवी दम बढ़िया मिलने वाला है। इस साइड इनका कलेजी हो चुका है तैयार, ग्रेवी देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से इसको पकाया गया, लाल किया गया देख। और यहाँ पे कलेजी पक चुका है, अलग से कलेजी पकाते हैं जी। और पीस कैसे देते हैं? 4 पीस 120 का रहता है। 4 पीस 120 का, 4 पीस यहाँ पे 120 का रहता है। और अच्छी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कलेजी अलग से एकदम खाने में मिलेगा। और दिखाइए थोड़ा, और यहाँ पे आपको गुर्दा खाने के लिए मिलेगा, इसको भी देख सकते हैं अच्छी तरीके से पकाया गया। और कितने देर में बना पूरा? एक घंटा में यहाँ पर पूरा बन। और क्या क्या बनेगा आज? मटन बनेगा, कलेजी बनेगा, चुस्ता बनेगा। मटन, कलेजी और चुस्ता बनेगा, मतलब जिस या ज्यादा डिमांड किस चीज का रहता है? सब चीज का रहता है। और कितने बजे से मिलना स्टार्ट? 9:30 बजे से। 9:30 बजे से तो मतलब मिलना स्टार्ट होता है, देख सकते हैं। और यहाँ पे प्याज कटिंग हो रहा है अच्छी तरीके से। और कितना टोटल प्याज है? 15 केजी है। 15 केजी इनका प्याज है, देखते हैं फ्रेश दम प्याज आपको मिलेगा यहाँ पे। सारा मसाला सारा प्याज इसमें ऐड हो चुका है। और इसको क्या करिएगा फिर? तोप दीजिएगा, उसके बाद फिर आगे बताएंगे आपको, फिर आगे बताया जाएगा। देखिए 10 से 15 मिनट इसको बंद किया जाए ढक्कन लगा के। तो अब इसमें टोपा गया है और देख सकते हैं ढक्कन लगा दिया। कलेजी का ग्रेवी देख सकते थोड़ा थोड़ा बनना तैयार, मतलब ग्रेवी बनना स्टार्ट हो गया हम देख सकते हैं अच्छी तरीके से। पूरा दम ग्रेवी दम तैयार हो गया और थोड़ी देर में अब कलेजी इसमें जाएगा। चावल के लिए तैयारी देख सकते हैं। कितना किलो चावल बनाते हैं? ये बनेगा 5 केजी। 5 केजी चावल है। और मटन के साथ क्या क्या देने वाले हैं? चावल रोटी जो लोग चावल खाने जाते हैं, रोटी भी खाने जाते हैं, यहाँ पे चावल रोटी के साथ आप आराम से इंजॉय करके खा सकते हैं। इनका चुस्ता देख सकते हैं आ चुका है एकदम, साइज देख सकते हैं काफी बड़ा बड़ा आपको चुस्ता मिलेगा। और देख सकते हैं यहाँ पे एकदम चुस्ता का साइज देख सकते हैं। कितना चुस्ता रहता है यहाँ पे? 3 केजी और यहाँ पे मिलेगा आपको चुस्ता और वाला काट के मिलता है यहाँ पे 60 रुपये पीस आपको चुस्ता खाने मिलेगा एकदम। और चर्बी नीचे देख सकते हैं, चर्बी है साथ बनाइएगा देख सकते हैं। और यहाँ पे अब जा रहा है इनका चुस्ता, और चुस्ता का साइज देख सकते हैं काफी बड़ा साइज में आपको एकदम चुस्ता देख सकते हैं, एकदम साइज एकदम मोटेदार आपको चुस्ता मिलेगा। और यहाँ पे भी ये देख सकते हैं, और ये एकदम बड़ा बड़ा आपको एकदम चुस्ता मिलेगा एकदम खाने के लिए। और इस साइड देख सकते हैं सबसे बड़ा चुस्ता आपको देख सकते हैं, इससे पहले हम चुस्ता देखें इतना मोटा दमदार देख सकते हैं चुस्ता का साइज। और इसमें सारा चुस्ता आ चुका है। और ये सब क्या है? लर अब जा रहा है इसमें, देख सकते हैं अच्छी तरीके से साइज देख सकते हैं काफी बड़ा मिलने वाला। और एक पीस चुस्ता कितना मिलने वाला है? 60 रुपये पीस मिलता है काट के, यहाँ पे देख सकते हैं आराम से। मतलब साइज के हिसाब से मिलता है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे देख सकते हैं साइज के हिसाब से यहाँ पे आपको चुस्ता खाने मिलेगा। और सारा चुस्ता लर आ चुका है देख सकते हैं, अब तक रख दिया गया। कितना देर में? आधा घंटा बाद निकलेगा। इस सेट 2 घंटा फाइनली हो चुका है। और मटन का कलर देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से कलर आया, ग्रेवी देख सकते हैं। और चुस्ता का साइज हम काफ़ी बड़ा साइज मिलने वाला है। कैसे पीस देते हैं चुस्ता यहाँ पे? तीन सौ का चुस्ता, बड़ा दम चुस्ता देख सकते हैं, एकदम मोटा चुस्ता आपको दम मिलेगा। जो लोग कटिंग करने खाना जाता है 60 रुपये पीस मिलने वाला, देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से देख सकते हैं। बड़ा बड़ा आपको दम यहाँ पे चुस्ता मिलेगा, यहाँ पे भी देख सकते हैं एकदम फूल वाला चुस्ता दम मिलेगा, एकदम बड़ा साइज में मिलने वाला। और मटन दिखा दीजिए मटन, और यहाँ पे मटन देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से। ये कौन सा वाला पीस है? सीना वाला पीस है, सीना है, गर्दन मिलेगा आपको देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से। देख सकते हैं मटन काफ़ी अच्छी तरीके से पकाया गया, गलाया गया, देख सकते हैं एकदम नली वाला पीस आपको एकदम मिलेगा एकदम। और ग्रेवी देख सकते हैं इसका दम, रोगन देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से एकदम गाढ़ा दम मिलने वाला है यहाँ पर, है ना। इस सेट टेस्ट कर रहे हैं, क्या नाम आपका? दिनेश कुमार। दिनेश कुमार कहाँ से आते हैं खाने के लिए? यहीं से। क्या लिए हैं? कलेजी। कलेजी लिए हैं। टेस्ट कैसा रहता है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रहता है टेस्ट, और कम प्राइस में एकदम बढ़िया दम टेस्ट मिलने वाला। और यहाँ का मटन भी खाए आप? हाँ खाया। मटन कैसा रहता है? अच्छा रहता है, अच्छा रहता है, देख सकते हैं काफी अच्छे तरीके से आपको दम कलेजी दम मिलेगा, दम ग्रेवी दम बहुत काफी अच्छा रहता है इसका ना, बहुत अच्छा रहता है। तो आ चुके हैं दुकान के ओनर के पास। तो कितना साल आपका पुराना दुकान है? 1985 से। मतलब कितना साल हो गया? 35-40 साल हो गया। 35-40 साल हो गया दुकान का। और कितना साल से, मतलब पहले? पापा चलाते हैं, 20 साल से हम चला रहे हैं। पहले कितना में खिलाते थे मटन? हम लोग तो 20 रुपये प्लेट बेचते हैं, 2000 में बेचते थे। पहले 20 रुपये प्लेट मटन खिलाते, अब महंगाई बढ़ गया तो रेट बढ़ गया। और एड्रेस क्या होगा आपका? गांधी मैदान अंटा घाट हरियाली सब्जी मार्केट, हरियाली सब्जी मार्केट। और सबसे ज्यादा लोग क्या खाना पसंद करते हैं? मटन कलेजी। मटन कलेजी, और कलेजी अलग से बनाते हैं?
जी हाँ जी, यहाँ पे अलग से बनाते हैं। और नाम क्या होगा आपका? मुन्ना। मुन्ना मतलब कहीं भी आगरा कोई भी आदमी आएगा तो यहाँ पे आके मुन्ना होटल पूछेगा तो आ जाएगा यहाँ पे, देख सकते हैं। और कितना से कितना बजे तक मटन मिलता है? मटन 10 बजे से, कलेजी 9 बजे से। कलेजी 9 बजे सुबह से मतलब मिलना स्टार्ट होगा। कितने बजे तक मिलता है? 6 बजे शाम तक। 6 बजे शाम तक यहाँ पे मटन मिलेगा, मतलब आराम से आके खा सकते हैं। कलेजी 12 बजे तक मिलता है। और प्राइस कैसे रहता है? 150 रुपये प्लेट है। 2 पीस मटन, 1 प्लेट चावल 150 रुपये में भर और 4 पीस कलेजी, 1 प्लेट चावल 150। 150 रुपये में मिल जाएगा, देख सकते हैं। कम प्राइस में आराम से आके एकदम खा सकते हैं। और टेस्ट एकदम बढ़िया देने वाला है। जी हाँ, टेस्ट एकदम बढ़िया। खाइए ना, आपको पता चलेगा ना।